नमस्कार, आपका स्टडी स्टूडेंट हेल्प में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे बाबा रामदेव जी से जुड़ी बातें, जो कि हर राजस्थान की परीक्षा में पूछे जाते हैं सवाल उनसे। तो आपको पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, बाबा रामदेव जी के बारे में जानने से पहले हम जान लें कि वो कौन थे और वह किस में शामिल थे। तो वह एक लोक देवता जो कि पंच पीर में शामिल हैं, और उनको याद रखने की ट्रिक है महंगो पारा। क्या है मित्रों ट्रिक है राजस्थान वालों के लिए? क्या है ट्रिक? महंगो पारा। तो मै से क्या होता है दोस्तों? मै से होता है मांगलिया, ऐ से गुगू जी, गै से गुग्गा जी, पा से बाबू जी और रा से रामदेव जी। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब जानते हैं हम रामदेव जी। रामदेव जी एक पंचपीर में शामिल हैं। रामदेव जी का जन्म कब हुआ मित्रों? इसमें कोई प्रश्न नहीं बताएंगे हम आपको, सिर्फ बताएंगे कि कैसे पूछे जा सकते हैं प्रश्न। तो रामदेव जी का शुक्ल द्वितीय को जन्म बाड़मेर के उडुंका समेर में हुआ। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को। ठीक है क्या मित्रों? उनके पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम था अजमाल जी। उनके पिता का नाम क्या था? अजमाल जी। और उनकी माता का नाम था मैना दे, और पत्नी का नाम था नेतल दे। गुरु का नाम था बालीनाथ, और भाई का नाम क्या था? किरम दे। बार बार पूछे जाते हैं यही प्रश्न। रामदेव जी को मुसलमान व हिंदू दोनों ही पूछते थे। प्रश्न पूछ सकते हैं रामदेव जी को कौन कौन पूछते थे? तो मुसलमान व हिंदू दोनों के दोनों ही पूछते थे। परंतु एक चीज ध्यान में रखनी है, मुसलमान इन्हें रामसा पीर कहते थे और हिंदू इन्हें कृष्ण का अवतार कहते हैं। रामदेव जी का झंडा पांच रंग का होता है। बहुत से लोग रामदेवरा गए होंगे, उन्हें पता होगा रामदेव जी का झंडा कितने रंग का होता है। मित्रों पांच रंग का होता है, उसे क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। इनके उपनाम क्या है मित्रों? उपनाम है रोनेचेरा धनी, रामसा पीर, कृष्ण का अवतार। इनके उपनाम है रामदेव जी चमत्कार दिखाते हैं उसे पर्चा कहते हैं। राजस्थान वाले अक्सर ही जो भी चमत्कार दिखाते हैं उन्हें पर्चा ही कहते हैं। तो इसको तो अगला है, रामदेव जी का जो जागरण लगता है उसे क्या कहते हैं मित्रों? रामदेव जी का जो जागरण लगता है उसे जामा कहते हैं। इनका मेला कब लगता है? मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से एकादशी तक मेला लगता है। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीय यानी जब इनका जन्म हुआ तब से एकादशी तक मेला लगता है। रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? उनके पैर यानी पगलिया, वहाँ पर पगलिया है यानी उनके पैर विद्यमान है वहाँ पे, बाकी कुछ भी नहीं है। और आगे है, रामदेव जी के भगत इन्हें क्या चढ़ाते हैं? कपड़े का घोड़ा चढ़ाते हैं। बहुत यानी पूछ सकते हैं क्या चढ़ाते हैं? तो कपड़े का घोड़ा चढ़ाते हैं। रामदेव जी के मंदिर को क्या कहते हैं मित्रों? अपने कहते होंगे यार ये क्या सवाल है। रामदेव जी के मंदिर को भी क्या कहते हैं? देवरा कहते हैं। देवरा जाते हैं अपने यानी जा रहे हैं तो उसे देवरा कहते हैं मंदिर को। ये एकमात्र लोक देवता हैं जो कवि भी हैं और लोक देवता भी हैं। यानी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि भी हैं और लोक देवता भी हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। प्रश्न पूछ सकते हैं ऐसे कौन से लोक देवता हैं जो कवि भी हैं और लोक देवता भी हैं? तो कौन है? रामदेव जी। बिल्कुल, रामदेव जी ने किसकी रचना की? यानी कवि हैं तो किसकी तो रचना करेंगे, किसकी रचना की मित्रों? चौबीस वाणी की रचना की। अगला है, रामदेव जी की समाधि कहाँ पे है? रुनेचा में है। मान सरोवर एक प्रकार की झील झूल है सब कोई, वहाँ पे इनकी समाधि। ठीक है, रामदेव जी के धर्म बहन के कौन थी? डाली बाई है। बिल्कुल, रामदेव जी की धर्म बहन कौन है मित्रों? डाली बाई है। अगला है, रामदेव जी की बहन सुगणा बाई है। धर्म बहन पूछे तो डाली बाई है, बहन सीधा पूछे तो सुगणा बाई है, ध्यान में रखना थोड़ा सा। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था। कौन सा पंथ चलाया था मित्रों? कामड़िया पंथ चलाया था, ध्यान में रखना है। पूछते हैं रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया था? तो कामड़िया पंथ चलाया था। अगला है, कामड़िया एक जाति भी है। कामड़ी पंथ चलाया तो मतलब कि कामड़िया एक जाति भी है, जानते होंगे राजस्थान वाले। ठीक है, तो इसके द्वारा तेरह ताली का नृत्य किया जाता है। तेरह ताली का नृत्य किनके द्वारा किया जाता है मित्रों? तो कामड़िया जाति के द्वारा तेरह ताली का नृत्य किया जाता है। अब एक सवाल और है, रामदेव जी का वाहन नीला घोड़ा है।
नीला घोड़ा है, लेकिन बाबा गोगा जी का वाहन कौन सा है? नीली घोड़ी है। और नीला घोड़ा और नीली घोड़ी में थोड़ा सा अंतर है, ये मेल और फीमेल में थोड़ा सा ध्यान रखना है, और अक्सर इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं बहुत लोग, तो ध्यान में रखना है थोड़ा सा। रामदेव जी का सबसे लंबा गीत है, यानी जितने भी गीत हैं उनमें से सबसे लंबा गीत किन का है? रामदेव जी का सबसे लंबा गीत है। उनके समकालीन कौन कौन थे मित्रों? बिल्कुल डुग्गू जी व मल्लीनाथ दोनों के दोनों थे। संप्रदाय सद्भाव का सबसे बड़ा मेला लगता है इनका, संप्रदाय सद्भाव का सबसे बड़ा मेला लगता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी रामदेव जी के बारे में। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि हम ऐसी और वीडियो अपलोड करें तो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। धन्यवाद।